हेलो क्लास, वेलकम अगेन। अब हम अगला लेक्चर अपना रिकॉर्ड करने की तैयारी में हैं। आपके लिए अगले क्लास जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में आपने नाम सुना होगा महावीर जैन का। महावीर जैन एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनके अगर बचपन के नाम की बात करोगे तो इनके बचपन का नाम शायद आप लोग खुद ही टैकल कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम है। तो फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ, इनके बचपन का नाम वर्धमान था और बाद में इनका नाम जैना पड़ा, महावीर जैन पड़ा। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा। महावीर जैन के बारे में आपको बात करने से पहले पता चलना चाहिए कि जैनिज्म जो है वो 24 तीर्थांकरों ने स्टार्ट किया था। इसमें ये लास्ट तीर्थांकर हैं, इससे पहले भी और तीर्थांकर हुए थे। तो आपसे शुरुआत के चार और लास्ट के चार पूछे जाते हैं, तो वो मैं कभी आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। वो लेक्चर में एज इट इज़ मैं नहीं दे रहा। ऋषभ देव, अजीतनाथ, आदिनाथ, संभवनाथ, और इधर आप आ जाओगे तो आपका पार्श्वनाथ हो गए, इसके बाद आपके महावीर जैन हो गए। ठीक है, उससे पहले अभिनंदन नाथ हैं, नेमी नाथ हैं, बहुत सारे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फीमेल हैं तीर्थांकरों में। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, कुछ चीज़ें ऑनलाइन उतनी ही करा सकते हैं जितना आपके प्री के रिलेटेड है। प्री से आपके क्वेश्चंस आ जाए उतना मैं आपको करा दे रहा हूँ, बाकी मेंस रिलेटेड कुछ चीज़ें बचेंगी, कुछ फैक्ट्स बचेंगे। तो मैं कभी आपको कमेंट बॉक्स में या फेसबुक पेज पर कभी ना कभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पोस्ट कर दूंगा। ऑल दो जितना मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना मैंने यहाँ पे शेयर कर रखा है। तो चलिए आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेम लाइन की जैनिज्म और बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, तो जैनिज्म के लिए भी सेम रीज़न है कि भाई क्षत्रिय जो थे वो भी देखते थे भाई रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ब्राह्मण्स का है, और वो भी उन्हें नहीं अच्छा लगता था। वरना डिवाइडेड है कि भाई हम भी बहुत काम करते हैं, सुपीरियरिटी हमारी भी होनी चाहिए, पर हम सुपीरियर नहीं है, ब्राह्मण्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्षत्रिय थे दोनों जो बुद्ध और जैन रिलीजन को ला रहे हैं। वो न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई थी, उसमें क्या होता है प्लॉगशेयर आ गया था, तो हमें एनिमल्स की बहुत ज़रूरत थी और हमारी इकोनॉमी कुछ ऐसी हो गई थी कि आज की डेट में हम उसके बिना कुछ कर नहीं सकते थे। हमारा परमानेंट सेटलमेंट था तो हमारी कैटल वेल्थ भी ज़रूरी थी। ऑल दो जैनिज्म ने थोड़ा कैटल वेल्थ के भी अगेंस्ट आके काम किया है, इन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को भी बंद कर दिया था, ये इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस फॉलो करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इस नॉन वायलेंस को फॉलो करते समय इन्होंने बेसिक चीज़ें अपनी कुछ अलग से ध्यान दी। तो उसको अलग से अगर ध्यान दें तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा एग्रीकल्चर ना करिए। तो लास्ट जो है क्वाइंस फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जैनिज्म में सबसे ज़्यादा आपको कौन मिलेंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाले बिजनेस क्लास मिलेंगे। तो आप देखें गुजरात एंड ऑल जो जैनिज्म का एक तरीके से मेन सेंटर है, वहाँ पर आपको मैक्सिमम बिजनेस क्लास मिलती है, वहाँ पे फार्मर्स बहुत कम हैं। तो एक बिजनेस क्लास इन्होंने डेवलप कर दी एग्रीकल्चर, और जितनी भी चीज़ें जिसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक को हार्म होगा वो चीज़ें नहीं करते लोग। अच्छा, जैनिज्म में अगर आज की बात की जाए तो थोड़ा शायद फनी लगेगा, बट ऐसा फनी नहीं है। अगर आप जैन मॉन्क हैं, एक सीरियस जैन मॉन्क अगर कोई है, तो वो आप देखेंगे तो लगातार मास्क पहने रहते हैं, वो बिना मास्क के नहीं रहते। तो मास्क रहने से क्या होता है, ये COVID-19 का इन्फेक्शन उनके पास पहुँचना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जीवों की हत्या वैसे ही नहीं करते तो दूर रहेंगे आजों का पार्ट। बट जेन्युइनली हो भी सकता है, क्योंकि मास्क जो आज हम पहन रहे हैं वो जैनिज्म पहले दिन से पहनते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनके मुंह में ना जाए और उनके चक्कर में ना मरे। आइए महावीर की बात करते हैं। महावीर की बात करेंगे तो 540 BC से लेकर 468 BC तक इनकी पूरी हिस्ट्री चलेगी। फर्स्ट तीर्थांकर हमारे ऋषभनाथ हैं। ऋषभनाथ से बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि श्रवण बेलगोला में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं, बाहुबली। बाहुबली जी के लिए एक रुद्र जलाभिषेक होता है श्रवण बेलगोला में, और ये हर साल 12 साल में एक बार होता है, इसे जलाभिषेक बोलते हैं। तो ये ऋषभदेव के बेटे के लिए किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था तो थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, आप देख लीजिएगा। 24 तीर्थांकर जैसे आपको बोला महावीरा थे, 23 पार्श्वनाथ थे जो बनारस से बिलोंग करते थे। अच्छा, पार्श्वनाथ महावीर से 250 ईयर्स पहले पैदा हुए थे, और महावीर के मदर फादर जो थे वो भी पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे, और पार्श्वनाथ के फॉलोवर को जनरली निर्ग्रंथिन बोला जाता था। फिर महावीर पैदा होते हैं 540 BC में, कुंडन ग्राम नॉर्थ बिहार में है, और ये जंत्रिका क्लेन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनका नाम निर्गंथ नाथ पुत्र भी पड़ता है। इनके फादर सिद्धार्थ हैं, मदर त्रिशला है। त्रिशला इसलिए इंपॉर्टेंस रखती हैं कि एक रिपब्लिक है, आपको 16वां जनपद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एक बहुत पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी थी, रिपब्लिकन डायनेस्टी रूलिंग थी, जिसमें लिच्छवी थी। लिच्छवी के जो रूलर थे उनका नाम था चेटक, और ये चेटक की बहन थी, और इन्हीं की बेटी जो थी वो मगध में मैरिज हुई थी, जिनकी शादी हुई थी बिंबसार से। तो एक रिलेशन बन जाता है किसका, महावीर का और बिंबसार का।
इसके बाद आप देखेंगे तो 30 साल की एज में अपने बड़े भाई से परमिशन लेते हैं कि मैं राजपाट आपको देके मैं जाना चाहता हूँ, मुझे राजपाट नहीं चाहिए तो मैं अल्टीमेट नॉलेज के लिए जाऊंगा। तो ये निकलते हैं, इन्हें ओमनी साइंस मिल जाता है जिसे कैवेलिन बोलते हैं 12 साल की एज में। 12 साल की एज में इन्हें कैवेलिन मिल जाता है, और ये क्या करते हैं, जो अपनी इंद्रियाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारे 5 सेंसेस उनको कंट्रोल कर लेते हैं, और मिस्री एंड हैप्पीनेस से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनको लोग जिना भी बोलते हैं, और इनके फॉलोवर को जैनास बोलते हैं। ऑल दो जैन में कई सारे तीर्थंकर हैं, 24 हैं, तो हम जनरली जैन की जगह निर्ग्रंथिन भी बोलेंगे, वो भी चलेगा। ऑल दो वो पार्श्वनाथ के फॉलोवर होते हैं। एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC ही डाइड एट पावलपुरी राजगिर। इन्होंने 5 डॉक्ट्राइन अपनी लिखी थी। पहली अहिंसा मतलब डू नॉट कमिट वायलेंस, सत्य ऑलवेज से ट्रुथ, अस्ते डू नॉट स्टील, अपरिग्रह डू नॉट एक्वायर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंड ऑब्जर्व कंटिनेंस मीन्स ब्रह्मचर्य, ठीक है, सेलिबेसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लास्ट जो महावीर ने ऐड किया था, इससे पहले वाले सारे पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है। ये 5 महाव्रत हैं जो महावीर कहते हैं कि जैनिज्म को फॉलो करने चाहिए। तो जो वर्शिपर होते हैं, जो ले वर्शिपर हैं, जो इन्हें फॉलो करते हैं, उनको अनुव्रतास बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो 5वां व्रत उनके लिए नहीं होता। पार्श्वनाथ अपने फॉलोवर को ये कहा था कि ऊपर और नीचे कुछ कपड़े पहनिए ताकि आप अपनी बॉडी को ढक पाए, पर महावीर ने कहा कि भैया कंप्लीट न्यूडिटी नीडेड है, तो आप प्लीज सारे कपड़े उतार दीजिए। इसके बाद अगर बात करोगे तो जैन बुद्धों की तरह नहीं है जिन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस को निनाइ किया। इन्होंने कहा गॉड का एग्जिस्टेंस है, बट ये ले हैं, मतलब जो तीर्थंकर्स हैं इनसे नीचे बैठे हैं, ठीक है। और वर्णा सिस्टम को इन्होंने कभी मना नहीं किया, बहुत हार्शली इन्होंने उसको डिनाइल नहीं दिया। इन्होंने सीधे कहा, महावीर ने कहा कि भाई जो बंदा पैदा होता है वो अपने प्रीवियस बर्थ के कर्मों के चक्कर में पैदा होता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि भाई जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए हमारे पास एक ही आइडियोलॉजी है, या एक ही चीज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं संलेखन, ठीक है, संलेखना। ये संलेखना में क्या कहते हैं, यहाँ पे महावीर ये कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी बॉडी है इसमें क्या है, डिजायर्स हैं, तो आपकी आत्मा बार बार पैदा होती है। इन्होंने कहा कि भाई इस बॉडी को आपको छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको संलेखन करना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, आपको अपने आप को भूखा प्यासा मतलब हंगर और थर्स्ट और सब कुछ छोड़ के अपने आप को मार देना है। ये कहते हैं कि जो आपकी बॉडी है ये घर है किसका, आत्मा का। आत्मा को आपकी बॉडी बहुत पसंद है, तो अगर आप इस घर को इतना हार्श बना दोगे कि आत्मा इसमें ना रहना चाहे, तो अगली बार वो कहीं नहीं जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके पास कोई किराए का मकान है, ठीक, आपका किराएदार आपको रोज परेशान करता है, पानी बंद कर देता है आप नहाते हो, फ्लश बंद कर देता है, आपको इरीटेट करता है, तो फाइनली क्या कहोगे कि यार आप किराए के मकान में नहीं रह रहे, हमें एक परमानेंट सेटलमेंट अपना चाहिए। तो वही सोल के लिए कि सोल को अगर एक परमानेंट सेटलमेंट मिल जाए तो होगा। तो इस संलेखन एक आइडियोलॉजी है जैनिज्म की जिसे लोग फॉलो करते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको संलेखन याद रखनी है, ठीक है। हमने संलेखना की बात कर ली यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसमें बाकी बेसिक चीज़ें आपके सामने दी गई हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। गॉड लोअर रेंज में थे सबके बाद। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी और है सियादवाद। सियादवाद मतलब होता है हाफ ट्रुथ, ना तो कुछ पूरा सच है ना ही पूरा कुछ लाए है। तो ये क्या कहते थे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इधर कैन बी और कैन नॉट बी। तो ये नहीं कहते थे, मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में कभी नहीं बात करते थे, डिनायल देते थे, पॉसिबिलिटीज दिखा देते थे। फिर इनके त्रिरत्नी ने, मैंने आपको बोला था कि इनके भी त्रिरत्नी ने, राइट फेथ राइट एक्शन राइट नॉलेज, तो ये 3 आपको याद रखने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंस इनके लिए रखते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहीं पे मैंने याद रखिए, आपको संलेखन बता दिया जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो मैंने आपको आगे नहीं बताना है, तो यहीं पे आप कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि संलेखना भी एक मेथड है जो इनके साथ फॉलो किया जाता था। इसके बाद बात करेंगे तो भाई अहिंसा बहुत अच्छे से फॉलो की, नॉन इंजरी ऑफ द एनिमल एंड लिविंग बींग्स इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, उसको ये लगातार फॉलो भी करते रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जैनिज्म जो है स्प्रेड भी बहुत अच्छे से हुआ। इसमें एक स्टोरी दी जाती है, ब्राह्मणिकल अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो क्लियरली इन्होंने उसे मार्क नहीं किया और इसीलिए अगेंस्ट नहीं गए, तो मास को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, बट फिर भी वेस्ट और साउथ में थोड़ा बहुत ब्राह्मणिज्म फैला जहाँ पर बुद्धिज्म नहीं जा पाया। बुद्धिज्म होना चाहिए, यहाँ पे लाइन गलत लिखी है, ब्राह्मणिज्म नहीं, बुद्धिज्म जहाँ पे वीक था वहाँ पे फैल गए, और ब्राह्मणिज्म जहाँ पे वीक था वहाँ पे भी। अब एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म थे, बहुत बड़े पेट्रोनियस थे, तो इनके एम्पायर में 12 साल में बहुत बड़ा फेमाइन आया था,
और सब लोग भूखे मर रहे थे, तो भद्रबाहु एक जैन फॉलोवर थे, इन्होंने कहा, जो इनके गुरु भी थे मां चंद्रगुप्त के, चलिए हम लोग चलते हैं, आप राजपाट दे दीजिए बिंदुसार को, हमारे साथ चलिए। तो राजपाट त्याग के बिंदुसार के साथ चले जाते हैं और श्रवण में गोला में चंद्र माउंटेन पर जाके संलेखन करते हैं, जो भी लास्ट आपको बताया था, भूखे प्यासे मरते हैं, गुरु इनके साथ रहते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि मर जाएं बचे ना, मतलब संलेखन सक्सेसफुल हो जाए और इन्हें कैवेलन मिल जाए। इसके बाद जब वापस आते हैं, जो नॉर्थ में रह जाते हैं स्थूलभद्र, वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा आइडियोलॉजिकली चेंज करते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनने लगते हैं। तो जब साउथ से ये दिगंबर्स आते हैं, फॉलोअर जो होते हैं भद्रबाहु के, वो आते हैं तो कहते हैं भाई ये तो गलत चीज़ हो गई, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। फिर जैन काउंसिल पहली होती है, उसमें बायकॉट कर देते हैं जो सदर्नर्स होते हैं, मतलब जो भद्रबाहु के फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिगंबर्स जो हैं भद्रबाहु के फॉलोअर्स हैं, ये कपड़े नहीं पहनते, महावीर के ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हैं, और मगधन या जो स्थूल भद्र के फॉलोअर थे वो श्वेतांबर हो जाते हैं, व्हाइट क्लोथ्स पहनने लगते हैं। तो यार आज की डेट में बात करें सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं, तो श्वेतांबर के हैं, दिगंबर्स बहुत कम है, सदर्न इंडिया में थोड़े बहुत हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिगंबर्स पब्लिक प्लेस में नहीं रहते, तो क्योंकि न्यूड रहते हैं कंप्लीट, आज भी वो कपड़े नहीं पहनते। हाँ सेंट दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं, आइडियोलॉजी दोनों की सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कपड़ों को छोड़ के। अच्छा इसके बाद ये फैले, जरूर फैले, एपिग्राफिक एविडेंस मिलते हैं कि जैनिज्म जो है कर्नाटक में 3rd सेंचुरी AD में फैला। बसादिस एक एस्टेब्लिशमेंट है मोनेस्टिक का, जो कर्नाटक में पाया जाता है, उड़ीसा में 4th सेंचुरी में आया। कलिंगा रूलर खारवेल ने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में क्लियरली बताया है कि ये बहुत बड़े पेट्रोनेस थे जैनिज्म के, और ये मगध से जैन की इमेज को वापस लेके आए थे। 1st और 2nd सेंचुरी थोड़ा अच्छा था, जो तमिलनाडु तक ये चीज़ें फैली और जैनिज्म स्प्रेड हुआ। इसके बाद देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कंट्रीब्यूशन जैनिज्म का नहीं है, आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा बहुत है मैं मानता हूँ, बाकी अगर आप देखें तो रिलीजन के हिसाब से बुद्धिस्ट से थोड़ा वीक रहा। रीज़न है लोकल लैंग्वेज को उन्होंने फॉलो नहीं किया, संस्कृत को फ्यूचर में फॉलो कर लिया, उसके बाद प्राकृत फॉलो की, तो ये पीपल जो थी कोशिश की प्रीच करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। वल्लभी रूलर ने की प्रेसिडेंटशिप में दोबारा एक इनका सम्मिट हुआ था, प्राकृत को एक्सेप्ट किया ताकि लिटरेचर के लिए भी, पर प्राकृत से ही एक लैंग्वेज निकली जिसे शूरसेनी बोलते हैं, और शौरसेनी से ही मराठी लैंग्वेज ग्रो हुई है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया अभ्रंश, अभ्रंश मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो थोड़ी ईजी होती है, जैसे अभ्रंश भाषा का आज भी हम यूज़ करते हैं, मतलब वो लैंग्वेज जो हम अपने हिसाब के लिए बना लेते हैं, और इन्होंने पहली ग्रामर कंपोज की इसकी। इन्होंने कन्नड़ की भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। अच्छा 23rd तीर्थंकर तक जो था महावीर से पहले किसी की भी आइडियल इमेज वर्शिप नहीं की जाती थी, बट मिडिवल पीरियड के आते आते इन्होंने क्या किया, और लेटर ऑन क्या किया, महावीर की भी मूर्तियां बना ली, में टेम्पल्स बना दिए, और अब सारे तीर्थंकर की वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी। मिडिवल इंडिया में थोड़ा बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर में, ऐसा सच और कुछ नहीं है, इतना ही है महावीर में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और थैंक्स फॉर स्टेइंग एट होम, क्योंकि अभी आप घर पे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे तो कोविड-19 से हम लोग बच सकते हैं। याद रखिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है बेटा, यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स हम इतने नहीं बना सकते, हमारे डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं, आप देखेंगे तो हर 20,000 या 50,000 पे हमें एक सिंगल डॉक्टर मिलता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी डेवलप्ड नेशन में है, डेवलप्ड नेशन की कंडीशंस इतनी बुरी हैं, हमारी पॉपुलेशन ही 130 से ऊपर है, तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम सरकार का साथ दे देंगे, चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, तो शायद हम इस चीज़ से बच जाएंगे, होप आप समझते हैं। साइनिंग ऑफ, थैंक्स, टेक केयर, होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ अगले लेक्चर में और बेटर कर पाऊँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, बुरा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको क्यों बुरा लगा, अगर अच्छा है तो इसे शेयर करें, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, आपका एग्जाम अच्छा जाए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक